वर्सेस पीएमडीसी का जो मुकाबला चल रहा था उसकी फाइनल जीत किसकी होगी ये तो जो है वो फाइनल सेनेट का डिसीजन ही बताएगा। लेकिन सेनेट ने क्योंकि जो है वो पीएमडीसी का डिसीजन जो है वो डिले कर दिया है, इसी डिले के चक्कर में कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो पीएमसी ने एमडीके 2022 का जो है वो सिलेबस में कर दिए हैं कुछ माइनर चेंजेस जो कि आपके लिए साबित हो सकती हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स, जो कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ गुड न्यूज़ जो है वो पीएमसी के सिलेबस में दी गई हैं आप लोगों के लिए, जिसमें अमल दरामद करके आप जो है वो बहुत अच्छी परसेंटेज ले सकते हैं एमडीके 2022 में। सो जस्ट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फॉर द टिप्स फॉर द एमडीके दिस वीडियो टू। एंड देयर इज वन गुड न्यूज़ फॉर यू पीपल कि मैं अब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने लगी हूँ द टिप्स एंड ट्रिक्स डेली बेसिस पे फॉर यू पीपल फॉर एमडीके स्टूडेंट्स। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, सो जस्ट मेक श्योर टू गो ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉलो मी अप। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिलेबस आया है उसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो कि माइनर चेंजेस हैं बट ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि पहले हम एक नज़र देख लेते हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि क्या वेटेज है क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे जो है वो आपके 200 MCQs किए गए हैं जिसमें आपको ड्यूरेशन 3.5 आवर्स की मिल रही है और टेस्ट जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होगा जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है। यहाँ पे ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि पहले आपके 200 क्वेश्चन थे अब आपके 210 क्वेश्चन बन रहे हैं। इट मीन्स के और टाइमिंग आपकी सेम ही है, 3.5 आवर्स जो आपको 210 क्वेश्चन पे मिल रहे थे वही टाइमिंग आपको 200 क्वेश्चन पे मिल रही है, यानी आपके टाइम में भी जो है वो आपको 10 क्वेश्चन के जो टाइम बच रहा है वो भी आपको मिल रहा है। इसके अलावा 10 क्वेश्चन रिड्यूस हो गए तो ये भी जो है वो जान छूटी आपकी 10 क्वेश्चन में। इसके अलावा जो है अलावा यहाँ पे इन्होंने मिनिमम पासिंग मार्क्स का रेशियो भी आपको बताया है कि अगर मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए 65% पासिंग मार्क्स होना आपके लिए लाजमी है एमडीकेट में। उसके अलावा मिनिमम पासिंग रेशियो जो रखा गया है डेंटल कॉलेज एडमिशन के लिए वो 55% रखा गया है। यहाँ आपके लिए ये जो है वो गुड न्यूज़ है कि जो पासिंग रेशियो है वो तो 65 था लेकिन अब जिनका 55 रेशियो पे भी आएगा तो उनकी चांसेस हैं जो है वो डेंटल कॉलेज में एडमिशन के। तो वेटेज कुछ क्वेश्चंस की इस तरीके से रखी गई है कि बायोलॉजी में आपके 68 MCQs हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स 54 और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में से क्वेश्चंस कट करके इंग्लिश में से 20 में से अब 18 किए गए क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग के पहले 10 थे जो कि अब 6 कर दिए गए हैं। तो इस हिसाब से आपके 200 क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके साथ आप आपको उन्होंने बताया हुआ है कि 20% जो MCQs लिए जाएंगे वो इजी होंगे, 60% MCQs आपके मॉडरेट टाइप के दिए जाएंगे और 20% जो है वो हार्ड टाइप के दिए जाएंगे। तो मोस्टली इन्होंने बताया हुआ कि जो परसेंटेज होगी वो मॉडरेट क्वेश्चंस की होगी। और वहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और मेंशन की हुई जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है अगर आप इस चीज़ पे वर्कआउट करते हो कि जो बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो सेक्शन है उसमें 70% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके रिकॉल के हैं, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने रखा हुआ था। रिकॉल यानी ऐसे क्वेश्चंस हैं आप में कि में कॉन्सेप्ट कम और रट्टे वाली चीज़ें ज़्यादा याद करने वाली, कि जैसे लास्ट टाइम उन्होंने फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस लिए हुए थे लाइन टू लाइन लिए हुए थे, तो ऐसे क्वेश्चन 70% पोर्शन रखेंगे एमडीके 2022 का इस दफ़ा भी। उसके बाद 30% जो पोर्शन होगा क्वेश्चंस का वो एप्लीकेशन लेवल होगा, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो अब इन्होंने आपको ये चीज़ बता दी है कि आपको पढ़ना किस तरीके से, आपको लास्ट टाइम की तरह इन्होंने फैक्ट पे जैसे टेस्ट निकाला था अभी भी आपको फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा जो है उनको दिमाग में रखना है क्योंकि 70% वेटेज उन्होंने बोला है कि वो फैक्ट्स बेस्ट ही आपका टेस्ट होगा और 30% जो क्वेश्चन होंगे वो आपका जो है वो थोड़ा मुश्किल लेवल का और एप्लीकेशन लेवल का होगा। तो आपने फैक्ट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लाइन टू लाइन जैसे लास्ट टाइम इन्होंने दिया हुआ था वैसे आपको याद करनी होगी इस तरह। तो ये थी जो है वो कुछ माइनर चेंजेस जो सिलेबस में की गई हैं। इसके अलावा पूरा जो सिलेबस पहले उन्होंने मुतारफ कराया था 2022 का, जो 2021 का था वहीं 2022 का था और अभी भी चेंजेस के बाद भी जो है अभी। उसके अलावा उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है मुतारफ करा दी है बायोलॉजी सेक्शन की और केमिस्ट्री पोर्शन की भी उन्होंने करा दी है, जिसमें उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है कि कौन से सब टॉपिक्स भी इन्होंने सारे डिस्क्राइब किए हुए हैं कि किस चैप्टर के कौन से सब टॉपिक्स इन्होंने लिए हुए हैं और उनमें से लर्निंग पॉइंट्स आपने कौन से ज़्यादा चीज़ों को जो है फोकस में रखना है, जहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं ज़्यादा तरीके से। तो
तो ये लिस्ट उन्होंने रख दिया है, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी जो है वो कुछ चैप्टर्स जो है वो कर दिए हैं, जो है वो सेम ही टॉपिक्स हैं, सेम ही आपके चैप्टर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के जो है वो सेम ही चैप्टर्स हैं, जिसमें आपके बायो के 13 चैप्टर्स थे, केमिस्ट्री के 19 और फिजिक्स के 13, सेम इज इट इज़, सब टॉपिक्स भी सारे वही हैं। सिर्फ जो एक आपका टॉपिक था गाउट का, वो जो है उन्होंने कट कर दिया, बाकी सारा आपका सिलेबस सेम ही है, सेम ही इंग्लिश में टॉपिक्स वगैरह लॉजिकल सेम ही हुई सारी चीज़ें। इसके अलावा अब मैं आपसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ कि देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि जो लोग अभी भी इस जहन में फंसे हुए हैं कि पीएमसी लेगी टेस्ट की, पीएमडीसी लेगी, तो देखिए एक जुमला समझने की कोशिश करें, क्लियर एमडीकेट 2022 बाय पीएमसी और पीएमडीसी, ठीक है, ये एक जुमला है। अब आपने इस जुमले में सिर्फ पहले अल्फाजों को मद्देनजर रख के तैयारी करनी है कि आई हैव टू क्लियर एमडीकेट 2022, उसकी बाद में क्या आता है कि कंडक्टेड बाय पीएमसी पीएमडीसी, इसको आपने बिल्कुल जो है वो ब्लैंक कर देना, इसको आपने जहन से निकाल देना है। आपने सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है कि आई हैव टू क्लियर एमडीकेट 2022, जिसके मद्देनजर रख के आपको तैयारी करनी है। बाकी आप छोड़ दें कि पीएमसी आ रही है, पीएमसी जा रही है, पीएमडीसी आएगी, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये आपका मसला नहीं है। आप अभी इस पॉइंट पर फोकस करें। और दूसरी एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि अगर पीएमडीसी आ भी जाती है फाइनल पॉइंट पर, तो फिर भी आपकी तैयारी मुकम्मल होगी, क्योंकि जो है वो आकर जो है वो माइनर चेंजेस करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल टेस्ट हो जाएगा या फिर कुछ माइनर चेंजेस होंगे, लेकिन आपकी प्रिपरेशन कभी रायगढ़ नहीं जाएगी, क्योंकि आपके टॉपिक सेम होंगे, आपका सिलेबस और आपकी तैयारी सेम ही होगी, ठीक है। अगर बोर्ड चेंज हो भी रही हैं, थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज हो भी रहा है, तो एटलीस्ट आपने मैक्सिमम पोर्शन अपना जो है वो तैयारी का कवर अप कर लिया होगा एमडीकेट के लिए, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना आपको मिल रहा है सिलेबस, उसकी तैयारी करें, फोकस करें, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। इस ख्याल में मत रहिए कि जब फैसला आएगा सेनेट का कि कौन टेस्ट लेगा फिर ही पढ़ाई स्टार्ट होगी, तो ये प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। अभी जो टाइम आपको दिया गया है टारगेट कि पीएमसी आपसे जो है वो सितंबर के स्टार्टिंग में टेस्ट लेगा, तो वही टारगेट रख के अपनी तैयारी करें, ठीक है। बाकी जो भी आपको सिलेबस दिया गया उस पर हाल ही फिलहाल फोकस आउट करें, बाकी आगे पीएमडीसी लेती है नहीं लेती है बाद का मसला है। बस सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें कि आई हैव टू क्लियर एमडीकेट 2022 एंड इंशाल्लाह यू विल बी, अगर आपका टारगेट यही होगा तो, ठीक है। सो इसी के साथ जो है वो आज की वीडियो जो है वो एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसी अगर आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ चाहिए तो सब्सक्राइब द चैनल एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन टू।